आज तुम लोग अपनी कंट्री के लिए 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक की आर्मी बनाएंगे और उसमें एक सोल्जर, एक टैंक और एक मिसाइल भी होगी और हम दूसरों की कंट्री में अटैक भी करेंगे। भागो भागो, दूसरी कंट्री का अटैक हो गया। पकड़ उसको, रोको रोको। अरे इसको कौन पकड़ेगा, हमने तो अपनी आर्मी भी नहीं खड़ी किया अभी तक। अरे भैया वो हमारी कंट्री में घुस जाएगा, उसको तेजी से भाग के पकड़ लो। लेकिन सॉरी दोस्तों, मैं तो इतनी स्पीड में ही भाग सकता हूँ। अरे तुझसे तेज तो कछुआ भाग लेगा। अरे वो तुम्हारी कंट्री में घुसने वाला है। घुस गया। बस दोस्तों बहुत हो गया, चलो हम लोग सबसे आगे एक सोल्जर लगा देते हैं। फिर तो हमारा सोल्जर किसी को अंदर नहीं घुसने देगा। कौन सा वाला सोल्जर ले, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? अरे सस्ता वाला लो, अभी मिसाइल ला, टैंक भी लाना। मैं किसी को अंदर नहीं घुसने दूंगा सर। इसके हाथ में तो बहुत अच्छी गन है। दोस्तों सावधान, दुश्मन आ गए। दुश्मन? अरे क्या दुश्मन, दुश्मन जाता हूँ। अरे बॉस चिंता मत करिए, मैं अकेला ही सबके लिए काफी हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है? मारो मारो, मर गया। जो भी हमारी कंट्री में आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे अपने सैनिकों के लिए गन्स और एमो रख देते हैं। और यहाँ पर सैनिकों के लिए टेंट लगा देते हैं। और साथ में यहाँ पर रहने का सामान भी रख देते हैं। और सबसे जरूरी चीज, एक यहाँ पर हॉस्पिटल टेंट भी लगा देते हैं। और यहाँ पे अगर हमारे सैनिकों को लड़ाई के दौरान चोट लग गई तो हम उनका इलाज कर देंगे। अरे टेंट छोड़ो, दो दो आतंकवादी हमारे कंट्री में घुस रहे हैं। और क्या क्या कहता, हजारों की संख्या में। अरे सर मैडम, मैं सबको मार दूंगा। अरे मुझे मार दिया। मैं तो जा रहा हूँ आगे कंट्री में। अरे क्या, हमारा हवलदार हमने तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, सब अंदर जा रहे हैं। अरे डरो भैया, पकड़ो, कंट्री में घुस रहे हैं वो हमारी। अरे अरे पर मैं कैसे, उन लोगों के घर में पास कुछ भी नहीं, वो लोग मुझे मार देंगे। अरे सॉरी सर, मैं सिर्फ एक आदमी को मार पाया। अरे बस बात हो गया। अरे बस एक और सैनिक लगाऊंगा, पर देखता हूँ हमारी कंट्री में कौन घुस पाएगा। अरे ये डमरू नंबर 2। अरे सर, हम दोनों लोग अकेले सबको मिलकर नहीं मार पाएंगे। क्या तुम लोग को ये सब भी नहीं आता क्या? चलो ठीक है, मैं एक और रख देता हूँ। अरे डमरू 1 2 3 हमारा देश को बचा लेंगे। दोस्तों हमारा मिलिट्री बेस 30% कम्प्लीट हो गया है, और जैसे ही 100 होगा हम बन जाएंगे सबसे पावरफुल मिलिट्री बेस। अरे दास्ता रुको रुको, अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर। के अंदर चुपके हम लोग दुश्मनों के ऊपर नजर रख सकते हैं। अरे 1 मिनट, उधर क्या? अरे क्या हमारे बेस पे फिर से किसी ने अटैक किया? डरो भैया, सबको जाके बताओ। सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट। सुबह हो गया, हम तो सो रहे थे। जो सो रहा था, अरे गधा जल्दी मारो। सर मैंने एक को मार दिया। ओके बॉस, मारो मारो। डरो भैया, यहाँ क्यों छुपे हैं? अरे मैं डरता थोड़ी ना हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। ये देखो उसको मारने रहा हूँ, मार दिया। ओ भाई, ये तो डरो भैया के झापड़ से मर गया। अरे ये लोग तो बहुत अटैक कर रहे हैं, बस तुम लोग देखते रहो, थोड़ी देर में हम लोग भी दूसरों के बेस में अटैक करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर लोग अभी भी घुस रहे हैं, इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे गार्ड स्टेशन गेट। हाँ आप जैसे कोई आएगा मैं ये गेट बंद कर दूंगा। अरे गधो, बीच में तो तुम लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन साइड से कोई घुस गया था, इसलिए मैं यहाँ पे वॉल लगा दी है। अरे क्या फिर से अटैक हो गया डरो भैया, गेट गिरा तो कौन नहीं घुस पाएगा? जल्दी गेट बंद कर, लोग आगे जा रहे हैं जल्दी। ए टारो, तुमने गेट क्यों नहीं बंद किया? क्या गेट, मैं तो सो गया था। और दोस्तों यहाँ पर मेन चीज तो रह गई, लोग इस जगह से घुस रहे तो लोग यहाँ पर लगा देंगे कांटो वाले तार। और दोस्तों ये इतने कांटेदार करंट वाले तार है ना, कि इसको अगर किसी ने छू लिया तो वहीं पे चूरा बन जाएगा। अब कोई नहीं घुस पाएगा। अरे पर बीच में ऐसा तो अभी भी हम आएंगे। अरे हम लोग क्या बेकार बेकार से जान लॉक कर रहे हैं, इसको अनलॉक करो, यहाँ पे बहुत टावर है। हम लोग इसके ऊपर चढ़ के दुश्मनों के ऊपर नजर रख सकते हैं। यहाँ से तो सब कुछ दिख सकता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ पर एक आदमी रख देते हैं। अरे आगे आगे, आर इंस्पेक्टर ढक्कन, अगर तुमको यहाँ से कोई भी दिखे तो तुम उसके बिना सोचे समझे मुंडी उड़ा देना। अरे क्या फिर से हम लोग हो गया, हम लोग हो गया ढक्कन, तुम सबको मारो तब तक हम टैंक लगाते हैं। क्या तो भाग गए। चलो फिर देखो दोस्तों कौन सा टैंक लगाना है। अरे वो सबसे सस्ता वाला लगाओ, वैसे ही बहुत सारे लगाने हैं। ओ वाह, सबसे सस्ता वाला कितना अच्छा है। ये टैंक तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अच्छे से चलाना ये टैंक तुम दोनों लोग। दोस्तों अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर एक खतरनाक सोल्जर लगाते हैं। अरे कौन सा लगाए? अरे मशीन गन आना लो, वो बहुत ताकतवर होती है। और है ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सबको मारता हूँ, हाँ मारता हूँ। लेट के आराम क्यों कर रहे हो, जल्दी करो वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। एक लेटा एक बैठा, इसको अपग्रेड करो यार। और अपग्रेड हो गया, और ये तो चारों साइड से शील्ड से घिरा हुआ है। अरे जल्दी अपने अंडरग्राउंड बंकर में चलो, हमला हो गया हमला। बगल वाली कंट्री ढोलक पुन्ने हमारे पर हमला कर दिया है। और इनके पास तो मेगा सोल्जर्स और बहुत खतरनाक गाड़ी भी है। अरे तुम लोग यहाँ पर तो छुपे हैं, हमें कुछ करना होगा। अरे हमें क्यों करना पड़ेगा, हमने इतने पैसे से अपनी आर्मी खरीदी है ना, वो करेगी। और ये लोग तो आगे निकल गए। अरे पर चिंता मत करो, आगे हमारा इंस्पेक्टर ढक्कन और टैंक है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अरे हाँ हमारा टैंक तो सही बात पे फोड़ देगा। अरे जल्दी मारो, जा रहा जल्दी मारो। ये टैंक टैंक तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, गाड़ी तो बच कर निकल गए। अरे यार तुम लोग कैसे टैंक चलाओ, सही चलाओ ना, सबको मारो। अरे सर हमसे तो इंसान भी नहीं मर रहा। और ये क्या आतंकवादियों के साथ ढोलकपुर के बॉस भी आए हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे, थोड़ी देर में भी तुम्हारे देश में कब्जा करने आएंगे। दोस्तों मैं टैंक खरीद के लाऊं, चलो उसको लगाते हैं। अरे कहाँ टैंक? अरे वो देखो सामने के सारे टैंक आ रहे हैं। अरे वो टायरो भैया, आप तो 5-6 टैंक ले आए, अब तो हमारी आर्मी बहुत मजबूत हो गई है। एक था, 3-4 था, से कितने? ये तो बहुत बड़े हैं, अब हमसे कोई नहीं बचेगा। क्या ये मेरे टैंक नहीं है, मैं तो छोटा खिलौने वाला टैंक लाता, मैं सब टैंक्स को नहीं जानता। अरे गधो, इसका मतलब हमारी कंट्री पे किसी ने फिर से हमला किया है। सैनिको अलर्ट, हम सबको मार डालेंगे। अरे मारो नहीं, जाके अपने अपने झोपड़े में छुप जाओ, क्योंकि 1-2 लाख टैंक को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं मैं तो मारूंगा। तुम्हारी बंदूक उनके सामने एक बच्चों का खिलौना है। अरे तो हमारी कंट्री में तबाही।
तुम्हारा मसा पता लगा। तो सब लोग तैयारी कर लो, टैंक बंदूक बम हेलीकॉप्टर सब ले लो, हम लोग दूसरी कंट्री में हमला करने जा रहे हैं। हम लोग अपने शिप से दूसरी कंट्री में आ गए। सबसे पहले अपने 5 पहले सैनिकों को भेजते हैं। 1, 2, 3 तुम सब जाओ। और ये मैंने 3,000 वाले कार भी भेज दी। और ये मैंने भेजा 7,000 वाला सैनिक। क्या इतना बड़ा ये सोचा तो कार से भी बड़ा है। अरे जो भी है चलो बेस में घुसते हैं हम लोग। चलो अरे इन लोग की छोटी छोटी गोलियां तो हमारे सैनिकों को कुछ कर ही नहीं पा रही। अरे हमें कंट्री के गेट के अंदर घुसना है, सब लोग जल्दी से कार में बैठ जाओ। ओह शिट, हमारी स्ट्रांग कार तो फूट गई, कौन लाए थे बकवास कार। अरे दोस्तों चिंता मत करो, कार फूट गई तो क्या, हमारे सैनिक तो आगे जा रहे हैं। 30 सेकंड बचे हैं और हमारे आधे सैनिक तो कंट्री के अंदर घुस भी चुके हैं। दोस्तों हम लोगों ने तो उसको अच्छा सबक सिखाया, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गया था, वो हमारी कंट्री पे फिर से हमला कर सकता है। इसलिए एकदम गेट के आगे एक गार्ड खड़ा कर देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं अपना सीक्रेट बंकर। अब जैसे कोई हमला करेगा हम लोग इसके अंदर जाके छुप जाएंगे, ये बहुत ज्यादा मजबूत है। और इसके अंदर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे तब भी इसको कुछ नहीं होगा। और इसमें हम चुपके से बाहर भी देख सकते हैं। दोस्तों ये लोग अभी भी गेट के अंदर आसानी से घुस जा रहे हैं, इसलिए हम लोग गेट पे लगाएंगे एक सपोर्ट टीम। और इनके पास तो एक बहुत ही खतरनाक कैनन मतलब तोप है। ये देखो एक बॉम्ब फेंक दिया और ये देखो कितना दूर जाके गिर रहा है। अब तो हमारी कंट्री कोई बॉर्डर ही नहीं पार कर पाएगा। शिप से तो डाकू लोगों ने भी हमला कर दिया है, इसलिए अब मुझे अपना सबसे पावरफुल टैंक लगाना पड़ेगा। और इसको भी हम लगाएंगे एकदम बॉर्डर के आगे। तारा भैया इसका आप चलाएंगे? ओके बॉस, एक रिमोट कंट्रोल टैंक है, मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। मारता हूँ, एक और मारता हूँ। अरे आप तो निशाना नहीं लगा पा रहे, देखो कैसे लगाना है ऐसे। ठीक है मैं इन लोग को मारता हूँ, तुम लोग जाओ। अरे इतना सब कुछ लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब भी अलग कंट्री के अंदर घुसने वाला। दोस्तों मैं बनाने वाला सबसे खतरनाक चीज, और अगर हम लोगों ने वो चीज बना ली तुम लोग किसी को भी हरा सकते हैं। और मैं लगाऊंगा यहाँ पे गेट, क्योंकि गेट सबसे ज्यादा जरूरी है इस खतरनाक जगह के लिए। चलो फिर लगाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी मिसाइल लॉन्चर बिल्डिंग। जैसे कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा हम उसकी पूरी कंट्री एक बार में तबाह कर देंगे। और ये हमारी मिसाइल लग भी गई। चला पर चला के देखते हैं। अरे नहीं मजाक मत देना, मजाक मत देना। हाँ ये टकला तो हमारी कंट्री पे चला देगा, अपनी कंट्री को तबाह कर देगा। और ये क्या, बगल वाली कंट्री ने हमारे पर हमला किया है। आरा पर चला अपना नया प्रोडक्ट मिसाइल, इस पर टेस्ट करते हैं और उनकी कंट्री और पूरी फौज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 3, 2, 1 जाओ मिसाइल अपना काम करो। जा रही है, कहाँ जा रही है। और दोस्तों अपने कान बंद कर लो, क्योंकि जैसी वो ब्लास्ट होती बहुत तेज आवाज होती है। कंट्री का खात्मा कर दिया। साथ में जिन लोगों ने हमला किया था वो भी गायब हो गए। मिसाइल बहुत लगा लिया, अब हम अपने वर्कर्स के लिए यहाँ पे वेपन शॉप लगाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ तक खाली पड़ी है, जल्दी से इसको गन बारूद सबसे भर दो। यहाँ पे तो ढेर सारी बम की पेटी और इसमें बहुत सारी गन्स रखेंगे, कवच रखेंगे। और यहाँ तो बहुत महंगी मशीन गन भी रखी है, यहाँ रख देते हैं कुछ। अब तो हमारे सोल्जर्स के पास गन्स और बम की कमी नहीं पड़ेगी। अरे रुको रुको बाहर चलो, मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आया है कि मैंने बहुत महंगी चीज खरीदी है, तो चलो उसको यहीं पे लगा देते हैं। और ये तो पहली ऑटोमेटिक मशीन है, इसको कोई इंसान नहीं चला रहा। अरे टैरो भैया इसको आप भी चला सकते हैं। अरे एनिमीज आ गए, जल्दी से वॉल लगाओ वरना वो पीछे से आ जाएंगे। जल्दी से बॉर्डर बना दिया। अरे दोस्तों किसी ने हमारे ऊपर मिसाइल फेंक दी। अरे हमारे सारे सैनिक घायल हो चुके हैं, जल्दी से हॉस्पिटल बनाओ, बहुत सारे स्ट्रेचर रखो, बेड रखो, टैरो भैया आप सबका इलाज करिए। अरे इतने में काम नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी लगाते हैं। अरे मसाज सबको लेटाओ, सबका इलाज करो। दोस्तों अब हमारी आर्मी इतनी पावरफुल हो गई है और हम तो एकदम फटी चले, हमारे पास कुछ ही नहीं। इसलिए मैं खरीदूंगा एक ट्रक जिसमें 1000 गोली लग जाए तब भी उसको कुछ नहीं होगा। मैं तो उसके अंदर बैठ भी गया। अरे यहाँ पे मैं ऑफिसर अपने लिए जीप खरीदूंगा। ये तो टूटी फूटी जीप है। तुम लोग ट्रक और जीप खरीद रहे हो, मैं अपने लिए खरीदूंगा टैंक जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कैनन लगी है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि वो स्पेशल बिल्डिंग किसको लगाते हैं। अरे तो खाली है। अरे नहीं नहीं ये देखो ये तो मीटिंग रूम है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कैसे कौन सी कंट्री को तोड़ना है। चलो इधर वाले रूम में देखते हैं क्या। अरे यहाँ पे खाली है। अरे खाली नहीं है मसाज, चुप रहो, ये हमारा सबसे सीक्रेट मीटिंग रूम है, क्योंकि दीवारों के भी कौन होते हैं। अरे यहाँ से निकलो, सीक्रेट रूम है। अरे दूसरा वाला कमरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है हमारा ट्रेनिंग रूम। और हम लोग यहाँ अपने सोल्जर्स को फाइट करना सिखाते हैं। यहाँ सिखाते हैं कि गन कैसे चलाई जाती है, मसाज जैसे नूबड़े लोगों को कैसे मारा जाता है। चलो सारे आ जाओ, क्लास शुरू हो गई। और दोस्तों इस कमरे में थोड़ा संभल के जाओ, क्योंकि इस रूम में हम लोग बनाएंगे अपना मिलिट्री बेस का जेल। और हमने अगर किसी दूसरी कंट्री वाले को पकड़ लिया तो हम लोग उसको यहीं पे बंद कर देते हैं और फिर मैं उसे टॉर्चर करता हूँ। ये देखो यहाँ पर पहले से कोई बंद है। अरे दोस्तों मुझे बाहर निकालो प्लीज प्लीज। पहले अपना माता पिता के साइन करा के लाओ, फिर तुमको निकालेंगे। और ये क्या, हमारे बीच सबसे पावरफुल कंट्री घुस रही है। टैंक सोल्जर्स हेलीकॉप्टर सब लोग तैयार हो जाओ। अरे अटैक रहे, सब लोग जाके छुप जाए, बहुत पावरफुल कंट्री है वरना सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर तो लोगों ने एक टैंक को फोड़ दिया। कहाँ इस मिलिट्री का बॉस, कहाँ है, हम लोग उसको मारेंगे। अरे मैं हूँ यहाँ का बॉस, तुम्हारा सामने खड़ा हूँ, जो खाना है खा लो। अरे मसाज चुप रहो, हम नहीं है कोई बॉस सर। नहीं तैरुबे कहा, आपको ढूंढ रहे हैं वो सब। अरे दोस्तों इन टैंक वाले लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया, जल्दी भाग गए ऐसे। अरे हाँ चलिए यहाँ पर मिसाइल अटैक यूज करते हैं। अरे कहाँ यही तो है सामने, जल्दी चलो इसका स्टार्ट करो।
और ये मैंने कर दिया। अरे मिसाइल जा रही है, डरो भैया हम आपको बचा लेंगे। अरे मिसाइल तो गिरने वाली है, गिर गई। और ये सारे के सारे टैंक्स और सब लोग मारे गए, हम लोग जीत गए। दोस्तों अब हम लोग सबसे पावरफुल कंट्री के ऊपर हमला करने आए हैं। सबसे पहले यहाँ से 1,00,000 के 4-5 टैंक मंगाते हैं, 20 फाइटर जीप भी मंगा लेते हैं, ताकि बच्चे पैसों की 500 आदमी की सेना मंगवा लेते हैं। आगे जाओ आगे जाओ, लेकिन एक मिनट, ये क्या है? न्यूक्लियर बम फेंका मारा सैनिकों और टैंकों को मार दिया। अरे तो क्या हो गया, मैं और पैसे और लोग को बुला लेते हैं। चलो इनकी कंट्री के अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। आज तो हम इनके बॉस को किडनैप करके अपनी कंट्री में ले आएंगे। अरे दोस्तों लोग बीच में क्यों खड़े हैं, मुझे भी गोलियां लग रही हैं। अरे क्या, इन्हें तो हमारे आगे वाले सैनिकों को मार दिया, पीछे कौन है? क्या पीछे, पीछे भी कोई नहीं है। अरे यार क्या लगता है, सारा धोखे बाद सैनिक भाग गए। अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, ये लो ये लो, ये लो। नहीं, और दोस्तों हमारे बेस के बॉस बनेंगे शिनचैन और नोबिता। क्या मैं क्यों नहीं, अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसमें शायद पूरे देश का ही खलास कर दूंगा। अरे तो वहां चला दे। अरे क्या मैं ऑटो क्लेन को भी साइड चला दी। अरे कि तुम्हारे बेस की तरफ ही आ रही है, और ये क्या हमारा पूरा बेस खलास हो गया? नहीं दोस्तों, मैं सौ के बेवकूफी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करा, कमेंट में लिखो पागल मसाओ, और सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे।